कोलारस अनुविभाग क्षेत्र के तेंदुआ थाना क्षेत्र में बीते दिनों टैंकर चालक के साथ हुई लूट की घटना के बाद तीनों आरोपियों को पडोरा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। तेंदुआ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के दिशा निर्देशन में SDOP कोलारस अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में तेंदुआ थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय और उनकी टीम ने तीन आरोपियों को पडोरा चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह भागने की फिराक में थे। आरोपियों से चालक का लाइसेंस और अन्य दस्तावेज और पैसे भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार टैंकर लूटने के बाद आरोपी टैंकर में 45 लाख रुपए का तेल और टैंकर को ले जाना चाहते थे, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए थी। टैंकर पलटने के बाद तेल फैल गया था और आरोपी भाग खड़े हुए थे। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर में एक टीम बनाई गई थी, थाना प्रभारी तेंदुआ हमारे अंकित उपाध्याय उनके साथ, उनके लगातार गाइडेंस जो है हमारे SDOP साहब अमरनाथ जी कर रहे थे। इस बारे में जब काफी सारी चीजें ली तो ऐसा ही पता लगा कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से टैंकर जो है टर्न हुआ और स्थानीय जगह पे जाने की कोशिश कर रहा था ना एक स्थानीय रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति इसमें शामिल होगा। तो इसमें जब सारी काफी लोगों से जानकारी ली गई तो ये तीन व्यक्तियों के नाम आए कि ये लोग इस तरह की वारदात ने इन्होंने किया है। इस पर से इनको अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो तीनों ने आरोप स्वीकार किया है। ये ड्राइवर हैं बेसिकली, और इनका कहना था कि उस दिन ये शराब के नशा इन्होंने किया था। उसके बाद ये जब आ रहे थे तो टैंकर पीछे था, अचानक एक गाड़ी इनकी डिसबैलेंस हुई तो इन्होंने गाड़ी टैंकर को रोका, और टैंकर को रोकने के बाद में जैसे ही इन्होंने ड्राइवर से मारपीट की तो इनमें से एक ने उससे 1500 रुपये ले लिए और ड्राइवर घबरा के भाग गया। जब ड्राइवर खाली हो गया तो इनको टैंकर को देख के लगा कि ये अच्छा इसमें तेल काफ़ी है, और इसलिए फिर ये सीधे ना आके अपने लाल जो क्षेत्र है उससे अंदर की तरफ कटे हैं और वहाँ पर तेजी से गाड़ी चला रहे थे, उसमें गाड़ी टैंकर पलट गया। तो ये तीनों को पकड़ा गया है, इनसे जो हमारे फरियादी के कागजात कुछ मिले हैं, कुछ पैसे जब्त हुए हैं, और ये अच्छी सफलता जो है थाना तेंदुआ को मिली। सर ये क्या लोकल की लोग हैं कि बाहर के हैं? ये स्थानीय लोग हैं, यहीं के हैं, और इनमें से एक का मारपीट का रिकॉर्ड है, बाकी ड्राइवर इसी लाइन से जुड़े हुए थे, टैंकर और ट्रक ड्राइविंग करते हैं। सर एक सवाल मेरा था मुकेश बंसल जी से, सर ये जो अभी जितनी वारदातें हुई हैं अनुभाग कोलारस में, सारी वारदातों का लिंक है या तो हाईवे है या फिर डैम में हुई है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पेट्रोलिंग जो रात में चलती है वो दिन में ही बढ़ाने की जरूरत है? नहीं देखिए, आप जो बात बता रहे हैं, बड़ी तौर पे तीन घटनाएं हैं लूट की, इनमें से एक घटना जो है वो दिन की हुई है, जो मंडी व्यापारी के साथ में लूट हुई थी, जो भी हम लोग लगे हैं उसमें टीम अच्छी लगी है, हमको उम्मीद है जल्दी हम निकालेंगे। दूसरी वारदात जो हुई है वो जो हुई थी वो रात को हुई थी, वो हाईवे पर हुई थी, उसमें से गाड़ी से सामान वामान भी गया था, गाड़ी से सामान वगैरह जाने के बाद में उसमें बहुत अच्छी मेहनत यहाँ के थाना प्रभारी आलोक भदौरिया और इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह उनकी टीम ने की थी, जिसमें वो CCTV सारे फुटेज चेक करने के बाद में एक व्यक्ति जो मुरैना से ये रोडिंग ऑटो लेके आया था वो पकड़ाया है, उसका ड्राइवर पकड़ाया है, उसमें बाकी लोगों के नाम खुलासा हुआ है। तीसरी जो वारदात है जो टैंकर की बात बता रहे हैं, ये दिन की वारदात है, लेकिन टैंकर पे जिस तरह की घटनाक्रम आया है उससे उसका सीधा कनेक्शन इससे नहीं, लेकिन हाईवे पे जनरली हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।